नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है आहूजा एंड स्वीटन के स्पीकर का, और दोनों ही स्पीकर 12 इंच के हैं और दोनों ही स्पीकर अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोनों ही स्पीकर का आज साउंड टेस्टिंग सुनेंगे और दोनों स्पीकर का प्राइस भी जानेंगे। और यहाँ पर किसी भी स्पीकर को हम लोग खराब नहीं कहेंगे, दोनों ही स्पीकर अपने स्थान पर सही है, पर साउंड टेस्टिंग में देखेंगे कि किसका मिड पार्टी ज़्यादा बेहतर है, किसका लॉन्ग थ्रो अच्छा रहने वाला है, इस पर बात करेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका साउंड टेस्टिंग आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहूजा का L12MB 300 जो कि 300 वाट का स्पीकर है, और स्वीटन का यहाँ पर स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं स्वीटन के स्पीकर के बारे में, देख लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको मैग्नेट साइड में स्वीटन कोलकाता लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 12PT400LAMB इसका मॉडल नंबर है इस स्पीकर का। यहाँ पर आपको एयर पास का जगह देखने को मिलेगा जो कि एक पीटी सीरीज का स्पीकर है 12 इंच का। 8 ओम इसका इम्पीडेंस है, 400 वाट यस पावर में आता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये यस पावर में है, आरएमएस पावर नहीं है। माइनस और प्लस के यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ देखने को मिलेगा आपको। नीचे में देखें तो यहाँ पर आपको टर्मिनल सॉकेट देखने को मिलेगा जहाँ से आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं। और ये भी स्पीकर बहुत ही अच्छा स्पीकर है, अपना इंडियन ब्रांड है ये भी, और इसके चेचिस को भी आप देख पाएंगे। और बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पर रखा गया है कंपनी के द्वारा। और एक ही सॉन्ग को दोनों ही स्पीकर पर प्ले करके देखेंगे, और हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको साउंड का बेहतर क्वालिटी मिल पाए। और इसका आप पेपर कोन भी देख सकते हैं, इसका स्पाइडर भी आप देख सकते हैं, लीड वायर यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा गया है, बहुत मजबूत है, आसानी से खराब होगा नहीं। और जम करके भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका पेपर कोन भी देखने को आपको मिलेगा। ये अपना 400 वाट यस पावर में आता है, आरएमएस पावर में कन्वर्ट करें तो बहुत कम होगा। और ये है अपना आहूजा का L12MB 300 जो कि एक 300 वाट आरएमएस पावर वाला स्पीकर है, प्रोफेशनल LF लाउड स्पीकर यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। 300 वाट आरएमएस पावर में आता है, 600 वाट इसका प्रोग्राम पावर है, और यहाँ पर आपको साइड में बीचों बीच में एयर पास का जगह देखने को मिलेगा, आहूजा यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और ये भी अपना 12 इंच का स्पीकर है, और 8 ओम इसका इम्पीडेंस है, 300 वाट आरएमएस पावर है, और 3 इंच इसका वॉइस कॉइल है इस स्पीकर का, और एल्युमिनियम डाई कास्ट का फ्रेम यहाँ पर रखा गया है कंपनी के द्वारा, और हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्पीकर यहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसमें 3 इंच वॉइस कॉइल लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिलेगा जिसे आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि कंपनी का बनाया हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट है। टर्मिनल सॉकेट भी आप देख सकते हैं, इसके मुकाबले इस स्पीकर के मुकाबले इसमें छोटा दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ बड़ा दिया गया है। इसका मैग्नेट का आप मोटाई देख सकते हैं, दोनों को आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके साउंड में, इसके प्राइस में, इसके बनावट के डिजाइन में, सभी चीज को आप ध्यान से देखिएगा। और इसका लीड वायर भी आप देख सकते हैं, और आहूजा के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। आहूजा के प्रोडक्ट उनके नाम से ही
चलता है। और इसका आप स्पाइडर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा जम कर रहा है ये भी स्पीकर। आगे साउंड टेस्टिंग में इसका फुल साउंड टेस्टिंग देखेंगे, आगे वीडियो में जरूर बने रहें। और प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसका भी पेपर कोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्ड है। इसका डस्ट कैप और इसका डस्ट कैप को भी आप दे सकते हैं, दोनों के पेपर कोन को आप मिला सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं साउंड टेस्टिंग। हेडफोन लगा लीजिएगा बेहतर क्वालिटी के लिए।